Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है. Chapter number 9, Industry and Infrastructure को हम कर रहे थे अपनी रमेश सिंह सीरीज को फॉलो अप करते हुए. ठीक है, आज की क्लास में मेरा जो टॉपिक है वो मतलब जो टारगेट है वो है स्मार्ट सिटीज को करवाना और प्राइवेट सेक्टर एंड अर्बनाइजेशन को करवाना, जिसके अंदर मैं गुड़गांव का और एक सिटी का और एग्जाम्पल लूंगा और आपको बताऊंगा कि वो क्या है. ठीक है, गुड़गांव का तो बहुत मस्त एग्जाम्पल होगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं स्मार्ट सिटी के इस कॉन्सेप्ट को. तो ये जो टॉपिक है, मैंने इसके अगेन कोई नोट्स नहीं बनाए बिकॉज बुक में ही इतनी अच्छी चीज दे रखी है तो मुझे नोट्स की उसमें जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है, चलो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं अपने पास. दोस्तों स्मार्ट सिटी को समझने के लिए थोड़ा सा मन में एक कॉन्सेप्ट बनाओ. वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, क्या लगता है आपको कि आपका घर एक ऐसे एरिया में हो जिसके आसपास आपके स्कूल्स भी हो, आसपास आपके रोड नेटवर्क्स भी हो, आसपास आपके मेट्रो भी हो. अब एक बात देखो ना, मैं आपको चलो एक चीज बना के दिखाता हूं, हो सकता है आपको इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. देखो मैं हमेशा से बचपन से सोचता था काश मेरा एक ऐसा घर हो, बचपन से नहीं सोचता मतलब अब सोचने लगा हूँ, काश मेरा एक ऐसा घर हो जहाँ पे क्या हो कि घर से ही आसपास के ही इलाके में बड़े बड़े क्या हो, हाईवेज़ हो, बड़े बड़े क्या हो, हाईवेज़ हो, जिनसे क्या हो कि अगर मुझे कहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना हो तो आसानी से मैं उसमें आ जा सकूँ. बोले तो नेशनल हाईवे हो, NH 1 2 3 जो भी हो. ठीक है, मैं सोचता था काश मेरे घर के आसपास एक ऐसी ट्रेन हो जिसको बोलते हैं मेट्रो ट्रेन, जो कि जल्दी से एसी में एक जगह से दूसरे आराम से वो क्या कर देती है, पहुंचा देती है. मैं सोचता हूं काश मेरे आसपास एक अच्छी सी बस सर्विस हो, सोचता हूं. फिर सोचता हूं काश मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे आसपास क्या हो, स्कूल्स हो, कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेडिकल केयर सर्विस हो, बोले तो हॉस्पिटल हो, आसपास कई सारे क्या हो मेरे पास, हॉस्पिटल्स हो. इवन मेरे लोकेलिटी के अंदर बहुत सारे गार्डन्स हो जिसके अंदर ग्रीनरी बनी हो, झूले लगे हों बच्चों के आसपास खेलने के लिए, क्रिकेट टूर्नामेंट्स के क्या हों अगल बगल में कई सारे इवेंट्स चलाने के लिए ग्राउंड्स हो. मतलब अगर ये चीज़ आपके घर के आसपास हैं तो आप सोचो आप क्या बोलोगे कि आपकी जो सिटी है वो स्मार्ट सिटी है या नहीं है. बिल्कुल बोलोगे. दिल्ली के अंदर ऐसे कई सारी जगह है जहां पर आपको आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है. वो छोड़ो भाई, मैं अपने घर के आसपास के एग्जांपल बताता हूं. मेरे घर के आसपास नेशनल हाईवेज भी है, आज बिल्कुल बगल में 3-4 गली छोड़ के तो हमारे मेट्रो स्टेशन है, पार्क्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है, और 2 गली छोड़ के एक अच्छा सा हॉस्पिटल है, एक नहीं बल्कि कई सारे हैं, बैंकिंग सर्विसेज भी है. मतलब हर चीज़ अगर आपको एक जगह मिल जाए तो क्या हम उसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दें या ना दें. दोस्तों ये जो फैसिलिटी दिल्ली ऐसे शहर को मिली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिल्ली को ही मिली है, और भी कई शहरों को मिली क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए मैं दिल्ली की बात करूँ. ठीक है, तो जैसे स्मार्ट सिटी हमारे दिल्ली के अंदर है, अगर यही स्मार्ट सिटी भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को दे दी है तो क्या हमारा भारत जो है वो लंदन जैसी इकोनॉमी को कॉम्पीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा. कहो लंदन से भी काफ़ी आगे निकल जाए, कहो पेरिस से भी कहीं ज़्यादा आगे निकल जाए, थाईलैंड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, दुबई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंडिया के अंदर आ जाए तो पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है. लेकिन बस शर्त है कि घोटाले वगैरह ना हो, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनको सही तरीके से पालन किया जाए, और यही पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा स्मार्ट सिटी का. तो आप समझ गए स्मार्ट सिटी का मतलब एक ऐसी सिटी, एक ऐसा शहर जिसके आसपास आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ना पड़े और वो सारी की सारी एसेंशियल फैसिलिटीज आपको साथ में ही मिल जाए, ताकि आपको दूर दराज में मोमेंटम में अपना टाइम और एनर्जी और अपना मनी वेस्ट ना करना पड़े, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट. चलो मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट सिटी का जो मिशन है ये स्टार्ट किया था ये सोचकर कि जितने भी स्टेट्स जिनमें अर्बन एरियाज हैं या जो अर्बन मतलब शहरी इलाके हैं उनको इतना ज़्यादा विकसित कर देंगे कि लोग जो हैं अपने रोजगार के लिए उस जगह आना पसंद करेंगे और जो रोजगार है एम्प्लॉयमेंट है उस लेवल को बढ़ाया जाएगा. ठीक है, आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर रोजगार के लिए अलग अलग जगहों से लोग आते हैं जिसकी वजह से दिल्ली पे प्रेशर बढ़ गया. तो दिल्ली अपने नेबरिंग जो स्टेट है जैसे गुड़गांव हो गया, हरियाणा का गुड़गांव हो गया, तो वहाँ पर उन्होंने एक सिटी डेवलप की ये सोचकर कि दिल्ली का जो एम्प्लॉयमेंट है जो लोग हैं उनको वहाँ शिफ्ट करेंगे. और दोस्तों आज के में गुड़गांव कितना ज़्यादा डेवलप हो गया, वैसे मैं अभी डिस्कस करूँ थोड़ी देर बाद में. इसी तरह से नोएडा की बात करते हैं, नोएडा यूपी में पड़ता है, दिल्ली के अंदर प्रेशर बढ़ रहा था तो इसलिए सिटीज़ और जो इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ बिल्डअप की गई, नोएडा में, और आज के में नोएडा इतना ज़्यादा बिल्डअप हो गया है. तो यही स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह अगर अप्लाई कर दे तो देश कितना अच्छा और सुंदर दिखने लग गया. तो कहा गया कि इसका जो पर्पज़ है वो मेन है इकॉनमी को ग्रोथ पर ले आना, क्वालिटी ऑफ लिविंग को बढ़ाना और जो लोकल एरिया है उनको डेवलप करना, जिससे कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनका फायदा उठा के हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए और एम्प्लॉयमेंट जैसे चीजों को आगे बढ़ा पाए और सबसे बड़ी बात लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा पाए. इस मिशन से स्मार्ट सिटी मिशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, लॉन्च किया था, और इस मिशन का टारगेट था कि उन सभी सिटीज को प्रमोट करना जिससे कि उनका
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिसेंट हो पाए और लोगों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को एक अच्छी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल पाए, एक साफ सुथरा माहौल मिल पाए, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मिले जिसमें उनको कोई हार्मफुल केमिकल्स या जो पार्टिकल्स होते हैं PM25 वो कुछ ना उनको मिले, और एक स्मार्ट सोल्यूशन बनाया जाएगा, एक स्मार्ट नेटवर्क बनाया जाएगा, और इसी मिशन को बोला गया स्मार्ट सिटी स्कीम। बोलो क्लियर हुआ। चलो अब बात करते हैं कि आखिर अगर हमें स्मार्ट सिटी बनानी है तो हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो अगर आपकी सिटी में अवेलेबल है तो हम उसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दे देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात कि जो भी सिटी है अगर उनमें रहने वाले लोगों को प्रॉपर और साफ पानी नहीं मिलेगा तो वो स्मार्ट सिटी कभी नहीं बन पाएगी। तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको पानी की सुविधा देनी पड़ेगी। ये नहीं कहूँगा कि 2400 घंटे पानी मिले, बट हाँ इतना टाइम पानी मिले कि वो आसानी से उस चीज़ की भरपाई कर पाएं। ये ना हो कि 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट पानी आता है और साफ पानी आता है। नहीं दोस्तों, 24 घंटे से 24 घंटे भले पानी ना आए, भले ही 10 घंटे पानी आए, लेकिन पानी क्या है, साफ आए, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो एक सही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे बोला गया एडिक्वेट वाटर सप्लाई। दूसरा, एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। सोच के देखो, स्मार्ट सिटी के अंदर कई सारी बैंक्स खुलती हैं, अगर वहां पर लाइट बार बार जाएगी तो बैंक्स का तो काम बार बार रुक जाएगा, तो ऐसे में जो इंडस्ट्रीज हैं वो बूस्टअप नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे में जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो उन जगहों पर आना पसंद करती है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी खासी सप्लाई, बोले तो स्मार्ट सिटी है। तीसरा बोला गया, सैनिटेशन इंक्लूड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आप देख रहे हैं कि जब भी आप बरसात होती है तो उसमें सीवर वगैरह भर जाते हैं जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो सैनिटेशन की फैसिलिटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एक स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कल को अगर आंधी तूफान बरसात होगी यहाँ पे, तो जो पानी का मैनेजमेंट है, जो सॉलिड वाटर वेस्ट है, उसको किस तरीके से मैनेज और प्रिक्योर किया जाएगा। तो इस बारे में जो सोचा जाता है उस पर्टिकुलर एरिया को नाम दिया जाता है स्मार्ट सिटी, यानी मैं बता रहा हूँ स्मार्ट सिटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। चौथा है एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, दोस्तों मैं बताता हूँ कि जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो अगर मुझे नोएडा में जॉब करनी है, मतलब यूपी में, तो मैं आराम से जॉब कर सकता हूँ। एक से डेढ़ घंटे का सफर है, मेट्रो में आराम से एसी में बैठ के जाऊंगा, जैसे टाई बेल्ट लगाइए सेम वैसी टाई बेल्ट में घर वापस आऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेट्रो की फैसिलिटी है। मैं हरियाणा में यानी गुड़गांव में जॉब करना चाहता हूँ, यस, मैं आसानी से मेट्रो में बैठूंगा, सीधी मेट्रो मेरे यहाँ से मजेंटा लाइन, और आराम से वहाँ पे जो है पहुँच जाऊँगा। ये सब क्या हो रहा है, ये इतना ज़्यादा कनेक्ट कर दिया है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जिसके चलते लोगों का मोमेंटम बढ़ गया। अब लोग एक ही जगह जॉब नहीं कर सकते, अगर वो दिल्ली रहे डजंट मीन कि वो दिल्ली में जॉब करेंगे, वो अदर स्टेट में भी जॉब कर सकते हैं। इससे जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। दैट इज कॉल्ड बी ए स्मार्ट सिटी, जहां पर क्या है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी है। इसके बाद बोलेगा रिबस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन, कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आज की में इतना विकसित होता जा रहा है, अगर हम इसको अपनाएंगे नहीं अपनी डेली लाइफ के अंदर तो हम काफी पीछे हो जाएंगे। तो कहा गया कि आईटी सेक्टर से भी हमें कनेक्ट करना जरूरी है। जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो सीएम अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने बसों के अंदर क्या लगाए, कैमरा लगाए, जीपीएस टेक्नोलॉजी लगाई, और आने वाले टाइम के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जिससे अगर आप स्टैंड पे खड़े हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपकी वाली जो बस है जिसका आप वेट कर रहे हो वो कितनी देर में आई है और उसमें कितने कैपेसिटी के पैसेंजर हुए हैं, वो भरे गए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे दी जाएगी तो ऐसे में आपका वेट करना बनता है या नहीं बनता वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, और आप ये इंश्योर कर सकते हो क्या मैं वहाँ वेट करूँ या ना करूँ या ऑटो करके अपने रास्ते के लिए निकल जाऊं। तो ये चीजें कितनी ज्यादा है अगर हम उनको आईटी लेस बना देते हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर हम उन्हें जोड़ देते हैं। गोल्ड गवर्नेंस, स्पेशली ई गवर्नेंस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। एक बात बताओ, अगर हमें कोई कंप्लेंट लेकर जानी है और हमें मैनुअली उनके दफ्तर जाना पड़ेगा तो भाई या तो मैं ऑफिस की छुट्टी करूंगा या अपनी पढ़ाई से छुट्टी करूंगा। तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए ई गवर्नेंस का सिस्टम लाएगा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली उनको मेल कर सकते हो या उनकी वेबसाइट पर जाके ग्रीवांसेस रिड्रेसल एजेंसी या फिर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट जाहिर कर सकते हो। अगर ऐसा होगा तो ये सिटी आपकी स्मार्ट सिटी के अंदर तब्दील हो जाएगी। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं कि आपने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खूब सारे पेड़ काट दिए तो जो ग्रीनरी थी वो चली गई। अगर इनके साथ में पेड़ काटे भी तो आप ये इंश्योर करो कि जब वो वहाँ पर फ्लैट्स वगैरह बनेंगे तो आसपास आप उनसे डबल या ट्रिपल पेड़ लगा के दोगे, जिससे कि इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस ना हो, जिससे कि एनवायरनमेंट क्या रहेगा, सस्टेनेबल बना रहेगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, पर्टिकुलरली वुमेन चिल्ड्रन एंड द एल्डरली। मतलब कि आप जिस इलाके को डेवलप कर रहे हो इस इलाके के अंदर इतनी पुलिस फोर्स या इतना ज़्यादा कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए कि जो खासतौर पे वुमेन्स हैं जिनकी किडनैपिंग और रेप केस होते हैं और जो बच्चे जिनको किडनैप कर लिया जाता है और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके पैसे या जंजीर वगैरह छीन ली जाती है, ऐसे क्राइम ना हो, इनको भी रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने स्मार्ट सिटी बना ली और वहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ज़्यादा है, तो फिर हम उसे स्मार्ट सिटी के दर्जे में कवर
नहीं करेंगे। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है कि आपके साथ क्राइम रेट जीरो तो नहीं होगा बट कम से कम होगा, ताकि पुलिस पूरी टाइम पेट्रोलिंग करती रहेगी। इसके बाद है हेल्थ एंड एजुकेशन, कि जिस जगह आपकी स्मार्ट सिटी है अगर उसके आसपास आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल जाती है, आपके एजुकेशन के लिए अच्छे अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं, जैसे गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल है जो कि हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए जी डी गोयन का, जहाँ पर बच्चे टैबलेट से पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर मिलती है। इस वजह से हमने गुड़गांव को स्मार्ट सिटी के अंदर कवर किया। तो ये वाले पॉइंट समझ आएगी स्मार्ट सिटी के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है, तो मैं आपको बता दूँ चार स्ट्रैटेजी है। पहली बात तो आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, जो सिटी में जो आजकल जो चीज़ें चल रही है उनको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव फॉर्म के अंदर लाना पड़ेगा। दूसरा, सिटी के अंदर रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आपने एक बार रोड बना दी तो बस बात खत्म हो गया, टाइम टू टाइम उसका रिनोवेशन करना पड़ेगा। कि एक बार आपने स्टील की ग्रिल लगा दी चमकती हुई, इसका ये मतलब नहीं कि बस काम खत्म है, अगर उस जरूरत है तो उसको साफ सफाई के लिए लोग आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। सिटी एक्सटेंशन, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसे एरिया में डेवलपमेंट करना जो आपके लिए बिल्कुल अनअवेयर है, जिससे इको को भी, इकोनॉमी को भी फायदा ना हो, इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे, फायदा ना हो मैंने गलती से बोल दिया, नुकसान ना पहुंचे ये बोलना चाहिए था, ठीक है। फोर्थ, अ पैन सिटी इनिशिएटिव इन विच स्मार्ट सोल्यूशन आर अप्लाइड। अगर ऐसा कोई सिस्टम ला दिया जाए जिससे कि हम अपनी सिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर दें, जिससे एक इन्फॉर्मेशन आसानी से दूसरी जगह पर पहुंच जाए, तो ऐसे में जो सिटीज़ का कनेक्शन है पैन इंडिया लेवल पे वो आसान हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि दिल्ली का आधार कार्ड अलग है, यूपी का आधार कार्ड अलग है और हरियाणा का आधार कार्ड अलग है, तो ऐसे में कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सभी के आधार कार्ड का अगर हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक ही मेथड और एक ही पैटर्न से करेंगे तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा और पैन इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, यानी जो मेरा आधार कार्ड दिल्ली का है मैं उसको कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो इससे काम आसान होगा या खराब होगा? सर आसान होगा। तो ये वो चार स्ट्रेटेजी थी, क्या क्या बताओ, सिटी को इंप्रूव करना, सिटी को रिन्यूअल करना, सिटी का एक्सटेंशन करना और पैन इंडिया लेवल पर उसको जोड़ना, इंटीग्रेट करना। ये स्ट्रेटेजी थी किसके लिए, सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमने देख लिया कि अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन सर स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कौन देगा, क्या सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी या स्टेट गवर्नमेंट भी देगी या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी दे सकते हैं? तो चलो मैं आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंस, तो कहा गया इस मिशन के अंदर 100 सिटीज़ को हम क्या बनाना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी। अभी के लिए टारगेट 100 सिटी का, इसके बाद ये टारगेट और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, लेकिन ऐसे में ज़रूरत है कि इनको फाइनेंस इक्विटेबल तरीके से दिया जाए। अगर हमें कहीं पर ज़्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है तो वहां का जो फाइनेंस होगा वो ज्यादा अमाउंट से होगा, और कहीं ऑलरेडी पहले से ही डेवलपमेंट है, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करके स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, तो वहां का फाइनेंस क्या रखा जाएगा, कम रखा जाएगा। सोच के देखो अगर दिल्ली के अंदर हमें स्मार्ट सिटी खोलनी है तो क्या बहुत ज्यादा बजट की जरूरत है, नहीं, बट यूपी के किसी ऐसे इलाके में जहां पर कोई मेट्रो वगैरह नहीं है वहां पर स्मार्ट सिटी बनानी, तो ऐसे में उनका जो बजट है हमें थोड़ा सा अकॉर्डिंगली ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इक्विटेबल बजट होना चाहिए, इक्विटेबल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि बराबर होना चाहिए अमाउंट, अमाउंट से मतलब नहीं है यहां पर, डेवलपमेंट से मतलब है कि डेवलपमेंट का जो रेट है वो इक्विटेबल होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट सिटी जो मिशन है ये ऑपरेट किया जाता है पूरा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, अब आप समझोगे कि इसके अंदर जो पैसा है वो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बोल दिया कि हम आपको 48,000 करोड़ रुपए देंगे अगले 5 सालों के अंदर, किस चीज के लिए बताओ, किस चीज के लिए बताओ, किस चीज के लिए भाई, बताओ बताओ, बोलो जहां भी बैठे वहां से बोलो कि 48,000 करोड़ किस चीज के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए, जो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को क्या बोलता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोला जाता है, क्लियर हुआ। इसके बाद आपको ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बुक के अंदर आपको यहां से आना है। अब हम बात करते हैं कि और भी कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो हम अपने पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो 2016 के अंदर गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएट लिए, जैसे मैं 3 इनिशिएटिव की बात करता हूं, एक है आपका SBM स्वच्छ भारत मिशन, दूसरा है आपका HRIDAY, जैसे फ्राइडे होता है ना, राइडे समझ लो, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, और तीसरा है आपका अमृत, अमृत में क्या है, अटल मिशन रीवैल्यूएशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आपको तीनों बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले SBM की बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये एम रखा गया था कि किस तरीके से हम अपनी जो सिटी और जो टाउन्स हैं उनको क्लीन, नीट एंड क्लीन बना सके, और इसके तहत क्या बोला किया गया था कि जो डस्टबिन्स हैं वो गांव-गांव और कस्बों में रखे गए थे, कि जब लोगों के पास सामने डस्टबिन दिखाई देगा तो वो रोड पे कचरा नहीं फेंकेंगे, वो उस डस्टबिन में फेंकेंगे, दैट इज कॉल्ड स्वच्छ भारत मिशन, इसे अभियान भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका हराइडे, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जैसे हमारे पास
कई सारी हेरिटेज सिटीज़ हैं जिनमें ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो बहुत पुराने ज़माने में है, जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए। आप जानते हो अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कई सारी चीज़ें जुड़ी हैं। आप लोग बताओ, अगर आप लोग मेरा इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते तो आपको पता होगा कि अभी जुलाई, मतलब जैसे अभी तो फिलहाल अगस्त का महीना चल रहा है, बट जुलाई के महीने में आपको मैं बताता हूँ, अराउंड ये आई थिंक 27 जुलाई थी और एक थी 22 जुलाई, इन दो दिनों में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइड में दो साइड इंडिया की और शामिल की गई हैं, ठीक है, थीके? याद है वो तेलंगाना और गुजरात, अब आप मुझे बताओगे वो कौन सी दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो और ज़्यादा जोड़ी गई हैं, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। तो अब हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिन सिटी के अंदर है, अगर हम उन सिटी को डेवलप करेंगे तो टूरिज्म हमारा क्या होगा, बिल्डअप होगा, और ये मिशन का नाम ये रहा, ठीक है। इसके बाद हमारा था क्या, अटल मिशन रीजेवेन्यूशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला गया कि जितने भी सिटी एंड टाउन्स हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं उनको इतना ज़्यादा डेवलप करेंगे कि वो अर्बन से जो क्या है, अर्बन से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। दोस्तों ऐसे कई सारे, अब मैं दिल्ली की बात करता हूँ, क्या दिल्ली स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा वेल डेवलप थी? आंसर ये, दिल्ली पहले गांव था, बट कहने को वो एक शहर था, लेकिन था क्या, गांव की तरह से उसमें गाय घोड़े बकरी वगैरह सब चराए जाते थे, लेकिन बदलते मौसम के अनुसार उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया और उस शहर को शहर नहीं बल्कि एक स्मार्ट सिटी बनाया गया। ठीक उसी तरह आप अगर शहर सोचते हो तो शहर का मतलब स्मार्ट सिटी कभी नहीं होता, शहर मतलब सिर्फ ये है कि वो गाँव से थोड़ा दूर है, थोड़ी बहुत वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना होना चाहिए। स्मार्ट सिटी में तो भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या लग जाती है, लाइनें लग जाती हैं, लाइनें, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से मिशन थे हमारे, स्वच्छ भारत मिशन और नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना और आपका अटल मिशन योजना, बोलो क्लियर हुआ? तो ये तीन योजनाएं आपको क्लियर हो गई, चलो ठीक है। यहां से आपको ये वाला पॉइंट जो क्लियर हो गया स्मार्ट सिटी का, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्मार्ट सिटी के, क्या एग्जांपल है। अच्छा एक बात सोचो, गवर्नमेंट इसके बारे में क्या अभी से सोच रही है? सर गवर्नमेंट तो बहुत पहले से सोच रही है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ होगा। दोस्तों बिल्कुल सही कहा, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से जो हमारे महात्मा गांधी है वो साफ साफ बोलते थे कि अगर हमें अपनी इकॉनमी को डेवलप करना है तो भाई साहब गाँव को डेवलप कर दो, इकॉनमी अपने आप डेवलप हो जाएगी, मतलब गाँव को शहर बना दो और शहर को स्मार्ट सिटी बना दो। तो ऐसे में क्या हुआ कि डेवलपमेंट रेट आपकी बढ़ जाएगी। अब गवर्नमेंट ने कई सारे प्रयास किया, पीएसयूज खोले, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स, लेकिन उन पीएसयूज ने कोई ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, क्योंकि देखो तो हर जगह प्राइवेट सेक्टर अगर अपना वो पब्लिक सेक्टर घुसेगी तो क्या वो अपनी पूरी एफिशिएंसी दिखा पाएगी? द आंसर इज नो। तो जब वो पूरी एफिशिएंसी नहीं दिखा पाएगी तो ऐसे में क्या दिक्कत हुई? दिक्कत हुई कि अब हमें प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेनी पड़ी। पहले गवर्नमेंट सोच रही थी सारा काम हम खुद कर लेंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट से ये चीज़ें नहीं हुई तो गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को क्या किया, प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, और जब प्राइवेटाइज किया तो भाई साहब प्राइवेट सेक्टर तो वर्ल्ड लीडिंग कंपनियाँ थी जो उन सेक्टरों की महारत थी, तो उन्होंने क्या किया उस चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल किया। तो गवर्नमेंट को बदलते मौसम के अनुसार ही समझ में आने लगा था कि उनके बस की बात नहीं है कि सारे काम वो खुद कर पाएं, तो ऐसे में उन्होंने किसकी हेल्प ली, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ली। तो अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्राइवेट सेक्टर एंड अर्बनाइजेशन, कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर लोगों ने जो है वो भागीदारी दी है, किसमें भागीदारी दी है, अर्बनाइजेशन में, कि अर्बन एरियाज को बिल्डअप करेंगे, ठीक है। चलो तो आपके साथ मैं स्टार्ट करूं, इसके लिए मैं आपके सामने दो एग्जांपल लूंगा, एक जमशेदपुर का और एक गुड़गांव का। जमशेदपुर वो रतन टाटा के पापा का नाम है, जमशेदपुर नहीं उनका नाम जमशेद था, तो वहां से उनका नाम पड़ गया, उस सिटी का नाम पड़ गया जमशेदपुर। चलो मैं आपको बताऊंगा, अभी टेंशन मत लेना धीरे धीरे करके। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं गुड़गांव की बात करूं, गुड़गांव कहां पड़ता है? सर गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है। अब आपको पता है पहले गुड़गांव वैसा नहीं था जैसे आप आजकल देख रहे हो, गुड़गांव को भाई साहब मिनी ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं आपको सच बता रहा हूं कि जब भी मुझे मौका मिलता है ना वीकेंड्स वगैरह पे जाने का, तो मैं गुड़गांव जाना ही पसंद करता हूं, घर से ज्यादा दूर नहीं, एक घंटे का मेट्रो है, सीधा मैं वहां पहुंच जाता हूं, ठीक है। अब जब मैं गुड़गांव जाता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ, वहाँ पर भाई साहब बिल्डिंगें ऐसी है ना कि मतलब दिल खुश हो जाता है कि भाई साहब, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पर है, उनका जब सेटअप देखते हैं तो भाई साहब हमें लगता है हम इंडिया में नहीं है, हम तो बाहर किसी के दूसरी कंट्री में आ गए, मतलब इतना बढ़िया सेटअप है। वहाँ के मॉल्स ले लो, वहाँ का रोड ले लो, वहाँ के गाड़ी, मतलब BMW ऐसे शोरूम वहाँ पर खुले हुए हैं, बड़े बड़े स्कूल्स वहाँ पर हैं, और सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल मेदांता हॉस्पिटल वहाँ पर है। भाई जब मैं एक बार मेदांता हॉस्पिटल गया था, मेरे रिलेटिव वहाँ पे एडमिट थे, मैंने वहाँ पर देखा कि भाई साहब अगर आपका खाना ज़मीन पे भी गिर जाए ना हॉस्पिटल की ज़मीन पे, तो आप उठा के खा सकते हो, इतना नीट एंड क्लीन था, लेकिन महंगा बहुत था। बट मैं अभी फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पे भाई साहब वर्ल्ड क्लास का था, मतलब देखने लायक था गुड़गांव का। अब क्या गुड़गांव के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये स्टार्टिंग से थी नहीं, हमने उन चीज़ों को बिल्डअप किया। अब वो बिल्डअप कैसे किया, वही चीज़ें मैं अब आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो चलो गुड़गांव की कहानी पढ़ते हैं। 2001 के अंदर इसमें जो है हमने क्या
किया, डेवलपमेंट करने की कोशिश की। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो गुड़गांव है इसका नाम गुड़गांव क्यों पड़ा। वैसे तो अभी फिलहाल इसका नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया। तो गुरुग्राम क्या था ना, जो गुरु द्रोणाचार्य थे, ठीक है, पांडव वाले, तो उनका ये जन्म स्थल था, तो यहाँ से ये जो नाम गुरुग्राम है वो पड़ा, ठीक है, गुड़गांव का नाम, जो हरियाणा के गाँव था, गाँव मतलब गुरुग्राम, गाँव, ग्राम का मतलब गाँव होता है, ठीक है। तो ये वहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। इसमें गुड़गांव को डेवलप करने के लिए हुड्डा सिटी सेंटर, एक मेट्रो स्टेशन भी आपने सुना होगा, येलो लाइन मेट्रो स्टेशन पे पड़ता है हुड्डा सिटी सेंटर। हुड्डा की फुल फॉर्म है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी ने ये कसम खाई कि अब हम गुड़गांव को वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे। किसकी हेल्प से? प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा चलो अच्छी बात है, बट पूरा इंटरवेंशन अगर गवर्नमेंट का होगा तो भैया ये सिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। अब प्राइवेट का इंटरफेयर होना बहुत जरूरी है। तो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्राइवेट बिल्डर्स के साथ मिलके वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी शुरू की। आपने देखो बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं और बहुत ऊंची ऊंची इमारतें वहाँ पर अवेलेबल हैं। कहाँ पे? गुड़गांव के अंदर। किसके थ्रू बनाएगी? प्राइवेट सेक्टर और हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू बनाएगी। आज की डेट में अगर हम बात करें तो वहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव है वो भी इसमें पूरी भागीदारी देता है इस डेवलपमेंट के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं क्या था हमारे यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर थे। पब्लिक सेक्टर आप समझ गए ना, जो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेकर वाटर, सीवेज और इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, फायर प्रिवेंशन, इन सब पर काम करना शुरू किया और गुड़गांव को एक वर्ल्ड क्लास या कह लो कि एक स्मार्ट सिटी में उसको डेवलप किया। अब स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अच्छी रोड्स होनी चाहिए, मेट्रो स्टेशन होने चाहिए, तो इनका एक अलग मेट्रो था जो कि लोकल लेवल पर चलता था, रैपिड मेट्रो स्टेशन। रैपिड मेट्रो स्टेशन मतलब बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पहुंचा। गुड़गांव में सेक्टर चलते ना, और ये किसने किया था? डीएलएफ ने, दिल्ली लीज फाइनेंसिंग कंपनी है जिसका जो आईपीएल को स्पॉन्सरशिप वगैरह भी करती है, तो आपने डीएलएफ का नाम आईपीएल में सुना होगा, तो इसकी फुल फॉर्म दिल्ली लीज फाइनेंसिंग। ये क्या करता है? दिल्ली के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेता है जिनमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना के 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के फ्लैट्स यहां पर बेचता है। तो डीएलएफ के द्वारा इस मेट्रो प्रोजेक्ट को चलाया गया था जो कि गुड़गांव के अंदर चलती है, जिसको बोलते हैं रैपिड मेट्रो स्टेशन, जो कि आप जानते हो हुड्डा सिटी सेंटर वगैरह इसके जो है मेट्रो स्टेशन है। रोड की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव किया गया और जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है उनको इंप्रूव किया गया। ओला जैसी फैसिलिटी वहां पर प्राइवेट मोड्स के थ्रू हमने क्या किया, वहां पर एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट रखा। क्लियर हुआ? तो ये था आपका गुड़गांव का। इसके अलावा हम बात करते हैं अपने पास जमशेदपुर का। जमशेदपुर की अगर मैं बात करूं तो ये रतन टाटा इनके बहुत टच में है। जमशेदपुर नाम ही रतन टाटा के जो फादर का नाम है उनका नाम जमशेद जी था और ये नाम वहाँ से पड़ा। चलो मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ जो इस बुक में नहीं दे रखी है। जो हमारे जमशेदपुर जी टाटा थे, जमशेद जी टाटा जो थे वो रतन टाटा के फादर थे। तो वो क्या करते थे, जो झारखंड है, झारखंड का एक शहर है जिसका नाम है जमशेदपुर और ये इस शहर का नाम उन्हीं के नाम से पड़ा। अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो इसका जो घनत्व जो एरिया है वो 224 किलोमीटर स्क्वायर का है 224 किलोमीटर स्क्वायर का है। अब इंडिया में आपको मैं बताता हूँ, इंडिया के अंदर पहली जो इंडस्ट्रियल सिटी थी, फर्स्ट प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी थी, वो जमशेदपुर के अंदर खोली गई थी। मैं जमशेदपुर के फीचर्स बता रहा हूँ। और सन 2019 के अंदर इंडिया के क्लीन सिटीज में से 15वें स्थान पर आता था जमशेदपुर, मतलब नीट एंड क्लीन के मामले में। और दोस्तों आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पर जो रतन टाटा की कंपनी है ना, उसने पहली जो कार बनाई थी वो कार नहीं बनाई थी, पहला उन्होंने टैंक बनाया था। वो टैंक होते ना जो मिसाइल वगैरह दागते हैं, वो वाला टैंक बनाया था और रतन टाटा की कंपनी ने उसको बनाया था, जिसमें रॉ मटेरियल जो है वो टाटा स्टील ने दिया था और बनाने का काम इसका टाटा सन्स ने किया था, मतलब रतन टाटा की दोनों कंपनी है। और उस टैंक का नाम है ACVIP और ये टैंक बनाया था। उसके बाद से उन्हें ऐसा लगा कि भाई अब हमें कार सेगमेंट के अंदर आना चाहिए और हैवी व्हीकल्स के अंदर आना चाहिए, जैसे बसेस हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, ऐसी चीज़ें भी उन्हें बनानी चाहिए। और आपको बता दूं कि जो ये फर्स्ट मेड इन इंडिया जो टैंक बनाया गया था रतन टाटा की कंपनी की तरफ से, दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर टू के अंदर इंडिया ने इसी से जीत हासिल की थी, ठीक है। इसी से उन्होंने जो है वर्ल्ड वॉर टू इंडिया ने नहीं की थी, बट इसका यूज़ उसके अंदर किया गया था। और सबसे बड़ी बात कि जमशेदपुर के अंदर यूरेनियम प्लांट की खोज की गई थी, सबसे पहले यूरेनियम प्लांट की खोज की गई थी कहाँ पे? जमशेदपुर के बारे में के अंदर। तो आपको आई होप कि जमशेदपुर के बारे में पता चलेगा कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। अब हमने क्या किया, जैसे गुड़गांव को डेवलप किया ना, वैसे ही जमशेदपुर को भी डेवलप किया गया। अब वही यहाँ पर लिखा है, ये प्राइवेट सेक्टर के टाउनशिप के थ्रू गवर्नमेंट ने अपने आप बेस्ट दिखाया, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर इस पर क्या किया, फोकस किया, स्मार्ट सिटी को बनाने पर काम किया। इसके अंदर कौन सी कंपनी है जो कि GUSCO है, जमशेदपुर यूटिलिटी एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड है। इन्होंने इसका सब्सिडरी, ये टाटा स्टील की होली ऑन सब्सिडरी, मतलब पूरे 100% शेयर टाटा स्टील इनके बाय कर रखे हैं। इस कंपनी का जमशेदपुर को डेवलप करने में बहुत ज्यादा हाथ रहा है, ठीक है।
अगर हम बात करें इसमें प्राइवेट सेक्टर की ऑनरशिप होती है, आप जानते हो गवर्नमेंट ना देखो कोई काम अकेले नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट की गवर्नेंस अच्छी है नो डाउट, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कि स्मार्ट सिटी 100% बना सके। ऐसे में कहीं ना कहीं उसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर पर डिपेंड रहना ही पड़ता है, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं ट्रिपल पी मॉडल, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। और वैसे हमने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वीडियो नंबर 32 है, आप उसको भी जाके देख सकते हो ताकि नेक्स्ट क्लास का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आप ये बताओ जमशेदपुर और गुड़गांव का एग्जाम्पल क्लियर हो गया ना आप लोगों को, ठीक है। और ये हमारा क्या था, प्राइवेट सेक्टर अर्बनाइजेशन, और ये किस में हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा स्मार्ट सिटीज के अंदर पढ़ा। दोस्तों अगर आपके पास बुक है तो आप यही चीज़ें टिक किया करो जो मैं करता हूँ, ठीक है। आपको बाकी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने ये सारी लाइन आपको नहीं पढ़ाई क्योंकि पढ़ने की जरूरत ना ये पढ़ने की जरूरत है, ये फालतू की लाइन है, वैसे मैं तो पढ़ चुका हूँ, जरूरी नहीं लगी तभी मैंने आपको भी नहीं पढ़ाई, ठीक है। तो आज की क्लास का जो टारगेट था वो मैंने पूरा अचीव करवा दिया, ठीक है। तो आप जानते हो क्लास की प्रथा है, जब भी कोई टारगेट पूरा होता है तो हम उस पर क्या करते हैं, टिक करते हैं। तो स्मार्ट सिटी और प्राइवेट सेक्टर अर्बनाइजेशन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ट्रिपल पी मॉडल से मैं आपको नई नई चीज़ बताने के लिए आ रहा हूँ, तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास जरूर देखना, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ के साथ करंट अफेयर्स को करने के लिए आप हमारा दूसरा चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स में द हिंदूज न्यूज़पेपर की सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन कर लेना, और डेली हिंदूज न्यूज़पेपर की सीरीज आती है उसमें न्यूज़ देखा करो, और इस बुक से मैं कनेक्ट करके बताता हूँ कि क्या डेली या करंट अफेयर में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।